थाना सूरजपुर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। देर रात थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा पीरकट 130 मोड़ तिलपता गोल चक्कर के पास चेकिंग की जा रही थी, तभी चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिनको चेकिंग के लिए रोकने का प्रयास किया गया तो वे वापस मुड़कर सर्विस रोड की तरफ वापस भागने लगे और आगे जाकर फिसल गए और पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगे। पुलिस द्वारा अपने बचाव को लेकर फायरिंग के दौरान एक बदमाश को पैर में गोली लग गई। गोली लगने के बाद बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। घायल बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, मैं एक जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस व एक बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की गई है। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। इसके विरुद्ध विभिन्न थानों पर गैंगस्टर एक्ट सहित करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज है। बदमाश का एक साथी सुमित मौके से फरार हो गया, जिसको पुलिस ढूंढने का प्रयास कर रही है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अलग अलग पॉइंट्स पर लगातार चेकिंग और पिकेटिंग चल रही है। इसमें थाना सूरजपुर में जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो बाइक राइडर्स को रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पर फायर किया और भागे। इसके बाद एक कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें दौरान पुलिस मुठभेड़ एक को गिरफ्तार किया गया है, अन्य इसमें फरार है। इसमें जो शुरुआती तथ्य सामने आए हैं उसमें इसका नाम अंकित बताया जा रहा है। इस पर अन्य कई मुकदमे भी दर्ज हैं, बाकी विधिक कार्रवाई इस पूरे प्रकरण में प्रचलित है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।